भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का वीडियो गृहस्थ साधकों के लिए जो घर में माँ भगवती देवी काली की स्थापना करना चाहते हैं और उनको सिद्ध करना चाहते हैं। ये विधान कलयुग के हिसाब से बताया गया है। जब महादेव माँ भगवती पार्वती को तंत्रों के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने कपाल मालिनी तंत्र में बताया कि कलयुग में क्योंकि मनुष्यों का जीवन बहुत छोटा होगा तो पूर्ण विधान करना मुश्किल है, इसीलिए कलयुग के लिए कुछ अल्प विधान बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें भगवान ने माँ भगवती देवी काली का 2 गायत्री मंत्र दिया। ठीक है, और इसका सिर्फ आपको अपनी शुद्धि करके, जैसा दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, और इसका 108 बार रोज जाप करना है। लेकिन उससे पहले कि माँ काली की जो हम लोगों को घर में प्रतिमा लगानी है वो कौन सी होगी, आम तौर पर साधना में मैंने बताया है कि माँ श्यामा की मूर्ति आप लोग रखिए, लेकिन इस साधना के लिए जो आपके घर में हमेशा काली विराजमान रहे, इसके लिए आप लोगों को भद्र काली की मूर्ति की स्थापना करनी होगी। तो भद्र काली की मूर्ति कैसे होती है, माँ काले रूप में होती है, माँ के नीचे शिव नहीं होते हैं, माँ खड़ी होती हैं शेर पर, और उनके राइट हैंड में त्रिशूल होता है ऊपर वाले हाथ में, नीचे वाले हाथ जो माँ का होता है राइट हैंड का वो आशीर्वाद मुद्रा में होता है, लेफ्ट हैंड के ऊपर वाले हाथ में घंटी होती है और नीचे वाले हाथ में कमंडल होता है। ये माँ भगवती देवी आद्या काली स्वरूप का भद्र काली स्वरूप है। भद्र मतलब जो सौम्य हो और माँ के चेहरे पे मुस्कान होगा। तो ऐसी एक मूर्ति छोटी सी, चाहे तो अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, वरना बनवा लीजिए, एक मुट्ठी की मूर्ति आपको 400-500 रुपए में मूर्तिकार बना के दे देगा। इस मूर्ति को स्थापित करें, नीचे एक ट्रायंगल बनाएं और उसमें क्रिम लिखें और उसके ऊपर इस मूर्ति को स्थापित कर दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा विधान में नहीं जाना है। इस मूर्ति को जागृत करेंगे पंडितों के विधान के द्वारा नहीं, बल्कि अपने साधना शक्ति से। ठीक है, उसके बाद रोज हम भगवती का अभिषेक करेंगे। अभिषेक किन चीज़ों से होती है भगवती का? भगवती का अभिषेक होगा दही से, मक्खन से, मधु से और जल से। अच्छा, ये नहीं कि आप लोगों को एक एक कटोरा लेकर के अभिषेक करना है, एक एक चम्मच भी रहे तो पर्याप्त है। ठीक है, और अभिषेक के शुरुआत में बोलेंगे काली काली वज्रेश्वरी नमः, काली काली वज्रेश्वरी नमः, काली काली वज्रेश्वरी नमः। और जब अभिषेक कर लेंगे तो योनि मुद्रा बना के बोलेंगे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम नहीं लगाएंगे इस मंत्र में। ठीक है, ये मंत्र तो आप लोगों को आता होगा। इतना करने के बाद भगवती को के सामने भगवती की पंच पूजा करेंगे। देखो, पंच पूजा से पहले एक विधान जो ज़रूरी होता है वो किसी भी पूजा में ध्यान रखना है। ये तांत्रिक पद्धति में भी बोला जाता है कि अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले गुरुओं को नमस्कार करें, मतलब हाथ जोड़ करके लेफ्ट कान की तरफ ले जाएं और बोले ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परापर गुरुभ्यो नमः। ठीक है, ओम परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः, ये 4 गुरुओं को आप नमस्कार करेंगे, मतलब ये आपके गुरु पद्धति की हायरार्की हुई। लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः। इसमें और भी होता है, ओम कुरमाय नमः नीचे हाथ करके, ओम अनंताय नमः ऊपर हाथ करके प्रणाम करते हैं। ठीक है, इतना करने से क्या होता है कि ये जो भी आप पूजा करने वाले हैं ये ब्लैक मैजिक में फिर इसकी गिनती नहीं होती है, तब ये सौम्य पूजा में आता है। सिर्फ इतना ही करने से, मतलब गुरु को प्रणाम किया, गणपति को प्रणाम किया राइट हैंड
की तरफ अपने हाथ को ले जाके, राइट हैंड के कान की तरफ ले जाके जमीन को प्रणाम किया ओम गुरुमाय नमः। आकाश की तरफ हमने हाथ किया और बोला ओम अनंताय नमः। इसके बाद भगवती की पंच पूजा करेंगे। भगवती को सबसे पहले धूप दिखाएंगे, फिर दीप दिखाएंगे, फिर नवेद समर्पित करेंगे, फिर जल समर्पित करेंगे और फिर कुछ गंध समर्पित करेंगे। ठीक है, इतना करने से जो शुरुआत की पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। भगवती का जो ध्यान है इसके बाद हम लोग करेंगे। भगवती का ध्यान हम लोग जैसे और ध्यान अपने शरीर में करते हैं कि हृदय चक्र में कर लिया, आजना में कर लिया, भगवती भद्रकाली का जो ध्यान है वो हिमालय की चोटी पे होता है। आपको ध्यान करना कि हिमालय की चोटी पे भगवती भद्रकाली अपने स्वरूप में स्थापित है, अनंत आभूषणों से विभूषित, चमकते हुई, मुस्कुराती हुई, हाँ, आशीर्वाद मुद्रा में आपको आशीर्वाद देती हुई। ठीक है, इस रूप में आपको इनकी पूजा करना है। एक विषय है थोड़ा सा कि भगवती काली की पूजा तंत्रोक्तर विधि में बिना शराब के नहीं होती, तो अगर चढ़ा सकते हैं तो भोग में प्रसाद के साथ शराब भी थोड़ा सा चढ़ाएं। कि उसके बाद जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला में। क्या मंत्र है? मंत्र है, पहला जो काली गायत्री मंत्र दिया गया है वो है कालिकाय विद्महे शमशान वासनीय धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात प्रचोदयात, दो बार। ठीक है, किसी भी और गायत्री मंत्र में प्रचोदयात दो बार नहीं आता है, काली गायत्री में प्रचोदयात दो बार आता है। कालिकायै विद्महे शमशान वासनीय धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात प्रचोदयात, एक बार फिर सुनिए, कालिकायै विद्महे शमशान वासनीय धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात, ये एक मंत्र है। ये या फिर दूसरा भी मंत्र दिया गया, ओम महाकाल्यै च विद्महे शमशान वासनी च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात। क्या मंत्र है? ओम महाकाल्यै च विद्महे शमशान वासनी च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात। स्क्रीन पे दोनों मंत्र है, तो इसके जाप से ऐसा माना जाता है कि 6 महीने में काली सिद्ध होकर के आपके स्थान पर भद्रकाली के रूप में विराजमान होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, नंबर है 9431188585। जो साधना का आध्यात्मिक जो आयाम है वो हम आपको इस ग्रुप में सिखाते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसमें रुद्रनाथ @CM4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। www.agortantrahasya.com ये अब अपडेट हो रहा है, इसमें आपको नए नए विषयों की जानकारी मिलेगी और अपॉइंटमेंट का एक तरीका भी मिलेगा। आपके लिए तहीं माँ भगवती भद्रकाली आप सभी को खुश रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है उनसे। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।